लेकिन मौलाना साहब, जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहाँ पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर फिर भी आएगी, बॉडी नजर आएगी, मौजूद है, मौजूद है उस पे, इंटरनेट पे, इंटरनेट पे। मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं। और शराब वहां भी पीने का कहा गया है, और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में, क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है, कुछ है, सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे, और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में, तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसके उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए, वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है, ना लाइब्रेरी है, औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी, 72 हूरों के सरदार होंगी, और जो शोहर आपके आपकी जिंदगी में थे, वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे, तो जाहिर बात है आप उन हूरों के सरदार रहेंगी। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरे और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? यारी कितनी औसम है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। औरतों के लिए वही शोहर, अगर शोहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शोहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा, ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरे लेके घूमेंगे? और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी, तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए, जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए चीजें रखी हैं, ये सवाल अल्लाह से बनता है। कौन है आप? मुसलमान चोरी भी करता है, मुसलमान जिना भी करता है, मुसलमान झूठ भी बोलता है, मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान गाली भी देता है, मुसलमान अपने पड़ोसी को सताता भी है, मुसलमान अपने भाई का माल भी खाता है। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, कौन हो तुम? नहीं देखिए, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दोरा ही नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सहाबाए कराम ईमान लाए, तो उनके वालिदैन गैर मुस्लिम थे, लेकिन सहाबाए कराम मुसलमान थे, ईमान वाले थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर माँ बाप गैर मुस्लिम है तो फिर औलाद मुसलमान नहीं हो सकती। अच्छा, तो हम मगर वो इस्लाम तो तलवार के जोर पर आया था ना, किसी की भी गर्दन पे तलवार रख देंगे तो वो अपने आप ही कलमा पढ़ देगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।